Hello and welcome to today's lecture. Today, in this lecture, we are going to deal with the Spectator Club, an essay written by Richard Steele. Before moving on to our lecture on this particular essay, let me introduce you a little with Sir Richard Steele. He belongs to 18th century, as he was born in 1672 and died in 1729. He was born in Dublin and educated at Charterhouse. At this place, he met Joseph Addison and later at Merton College also, that is in Oxford. And together they wrote 555 essays. Richard Steele had joined the lifeguards and eventually attained the rank of captain. Now we have two important periodicals. हमारे पास दो important periodicals हैं जो Steele ने start किया था, The Tatler and The Spectator. The Tatler was started in 1709 and The Spectator was started in 1711. और दोनों ही periodical में आपको Addison का contribution, significant contribution even दिखेगा. After these two periodicals, इनका नाम बहुत important है, इनका year of publication बहुत important है. Now, after this, another periodical had followed, that is The Guardian. एक pamphlet है जिसका नाम है The Crisis और इसके publication के बाद इनको Parliament House से expulsion दे दिया गया था in 1712. और like this crisis, that pamphlet was in favor of Hanoverian succession. उसी same year में Steele ने एक राइटिंग लिखी अपॉलॉजी फॉर हिमसेल्फ एंड हिज राइटिंग्स. नाउ 1724 में हमें दिखता है कि आउट ऑफ मनी डिफिकल्टीज ही हैड टू लीव लंडन एंड देन इवेंचुअली इन 1729 ही डाइड. ये जो ऐसे है द स्पेक्टेटर क्लब, इसको आप ऐसे ले सकते हो कि एक सैम्पल साइज है, जैसे द कैंटरबरी टेल्स में चौसर ने एक पोर्ट्रेट गैलरी प्रोड्यूस की है, वैसे ही इस ऐसे में आप ऐसा समझ सकते हो कि उस टाइम की जो सोसाइटी थी उसमें डिफरेंट प्रोफेशंस के कुछ 6 मेंबर्स को इन्होंने लिया है और उन प्रोफेशंस के थ्रू इन्होंने 18 सेंचुरी में सोसाइटी कैसी थी, पॉलिटिक्स कैसा था और उनका इकोनॉमिकल सिचुएशन कैसा था उसको पोर्ट्रे करने का कोशिश किया है. आउट ऑफ दीज 6 मेंबर्स, जो फर्स्ट जेंटलमैन है जो एंटर करते हैं इस क्लब में, उनका नाम है सर रॉजर डी कवर्ले. 6 मेंबर्स को आपको अलग अलग कैरेक्टर पोर्ट्रायल मिलेगा इस ऐसे में. सर रॉजर डी कवर्ले का पहले हम कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं. सो ही सेज दैट ही इज द फर्स्ट जेंटलमैन ऑफ द सोसाइटी ऑफ वॉर्सेशायर. सो ही मेंशंस हियर प्लेस ऑल्सो, दैट इज वॉर्सेशायर. Now he is singular in his behavior. वो बहुत ही simple है अपने behavior में और अगर कभी कोई debate हो जाता है तो वो इतना heated debate नहीं होता है जिसकी वजह से आप जिसके साथ भी debate कर रहे हो वो आपका enemy बन जाए. People know about him and they know that he is very, you know, simple. Now अगर वो town में कभी आते हैं तो he used to you know reside in a particular place and उसका नाम है Soho Square. सर रॉजर डी कवर्ले बैचलर हैं और उसका रीजन ये है कि जब लाइक देर वॉज अ वन साइडेड लव और उस जिसे वो यू नो ही वॉज इन लव, वो विडो ने एक्चुअली इनको रिजेक्ट कर दिया था और उसके बाद लगभग 1.5 ईयर्स तक वो डिसअपॉइंटमेंट में थे. बट क्योंकि उनका नेचुरल बिहेवियर ऐसे यू नो मेलेंकली में रहने का नहीं है, ही इज अ चीयरफुल कैरेक्टर, गे कैरेक्टर एंड यू नो बिकॉज ऑफ दैट वो चेंज हो गए वापस से जूवियल नेचर में अपने आगे जो उनका नेचुरल सेल्फ था. बट देन अभी वो अपनी ड्रेसिंग पे बहुत ध्यान नहीं देते हैं. वो जो सेम कट का उस टाइम का जो उनका फैशन का कोट वो पहना करते थे अभी भी वो उसको ही कैरी कर रहे हैं. और वो एस्टीम से ज्यादा, रिस्पेक्टेड से ज्यादा लोगों के बिलवेड हैं. उनको अपने सारे सर्वेंट्स का नाम पता है और इससे वो कितने अफेक्शनेट हैं और फैमिलियर हैं हर किसी से, कितने केयरिंग हैं वो हमें पता चलता है. उनकी एज भी यहाँ पे बताई गई है, दैट इज 56 ईयर्स. सो नेक्स्ट कैरेक्टर है द मेंबर ऑफ द इनर टेम्पल.
आप समझ सकते हो कि ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जहाँ पे आप कुछ स्टूडेंट्स रिलेट भी कर सकते हो. इन्होंने इनका पैशन है लिटरेचर, बट ड्यू टू यू नो इनको फोर्स किया गया है इनके फादर के थ्रू, तो इसलिए ही इज प्रैक्टिसिंग एज अ लॉयर हियर. इन्होंने इनको काफ़ी साउंड नॉलेज है, इन्होंने बहुत सारा लिटरेचर डिफरेंट सिटीज़ का पढ़ रखा है, एंड ही हैज़ वेरी गुड टेस्ट फॉर बुक्स. और इन्होंने इतना कुछ पढ़ रखा है जिसकी वजह से आप उनको ये बोल सकते हो कि ही इज़ एन एक्सेलेंट क्रिटिक. और इतनी बुक्स पढ़ने की वजह से ही हैज़ साउंड नॉलेज अबाउट द कस्टम्स, मैनर्स, एक्शन, राइटिंग्स ऑफ एंशियंट्स, एंड ही कुड बेटर जज. तो इनके फादर जो हैं, इनको कुछ ना कुछ डिबेट से रिलेटेड चीज़ें सेंड करते रहते हैं, क्वेश्चन पूछते रहते हैं. बट इनका जो पैशन है लिटरेचर का, ही यूज टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन दैट पैशन. उसके अलावा एक चीज़ और है कि जैसे ही इनका कोर्ट का डिबेट वगैरह एंड होता है, और वो जैसे ही इज डन विथ हिज जॉब, ही रशेस टू अ पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे कुछ एक्टर्स हमें पता चलते हैं कि हैं, और वो काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं ताकि वो इस कैरेक्टर को प्लीज कर सके, बिकॉज दे नो दैट ही इज अ वेरी गुड क्रिटिक अबाउट देयर परफॉर्मेंसेस. सो ना जो नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास हैं वो हैं सर एंड्रू फ्रीपोर्ट. तो जैसे कि इनका नेम सिग्निफाई करता है, फ्री पोर्ट मतलब पोर्ट आप ऐसे समझ सकते हो कि वो एक जहाँ पे शिप के थ्रू ट्रेडिंग होती है. तो सर एंड्रू फ्रीपोर्ट का प्रोफेशन है दैट ही इज़ अ मर्चेंट एंड ही इज़ नोबल एंड जेनरस. और इन्होंने अपना फॉर्च्यून खुद बनाया है थ्रू हिज हार्ड वर्क. सो ही फील्स दैट अगर वो अपना फॉर्च्यून ट्रेडिंग के थ्रू बना सकते हैं, ही कुड बिकम रिच, तो ब्रिटेन को भी ऐसा ही करना चाहिए. ब्रिटेन अगर ट्रेड करेगा तो ही कैन दिस इंग्लैंड कुड बी मोर रिच. और वो डिस्करेज करते हैं वॉर को, क्योंकि वॉर में आप जानते हो कि डिस्ट्रक्शन होता है आपकी अपनी कंट्री के रिसोर्सेज का और अदर कंट्री के रिसोर्सेज का. तो उनका ये मानना है कि आपको अपनी कंट्री को रिच करने के लिए आपको ट्रेडिंग को एनकरेज करना चाहिए. और एक फेमस फ्रेज है उनका जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी गॉट. सो दिस इज अबाउट हिम. नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर इन दिस क्लब इज कैप्टन सेंट्री. सो अगेन एज द नेम सजेस्ट, ही इज अ कैप्टन ऑफ एन आर्मी. ही इज हैविंग ग्रेट करेज, वो काफ़ी बहादुर हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और उनके अंदर मॉडेस्टी है. ये बात हमें ऐसे पता चलती है कि उनके पास टैलेंट है, बट वो अपना टैलेंट सिर्फ उस वक्त नहीं शो करेंगे जब उनका कमांडर उनको ऑब्जर्व कर रहा होगा. रादर ही इज़ वेरी ऑनेस्ट. वो उनका अगर कोई काम है तो उन्हें करना है. ज़रूरी नहीं है कि वो कोई फ्लैटरी करें जब उनका कमांडर ऑब्जर्व कर रहा हो, तो वो उस टाइम उनको चापलूसी करें. तो ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, बट वॉट ही हैज़ रियलाइज्ड इन दैट प्रोफेशन कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्लैटरी करते हैं और उनके अंदर फॉल्स मॉडेस्टी है, तो उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम है और वो ये सोचते हैं कि ही इज़ मिसफिट दैट वे इन दिस प्रोफेशन. सो ही हैज़ क्विट दिस जॉब. नाउ हमारे जो नेक्स्ट कैरेक्टर हैं, ही इज़ विल हनीकॉम्ब. अब जैसे कि नाम है विल, मतलब जो उनका मन होगा वो वैसे ही काम करते हैं. हनी आप समझ सकते हो कि जैसे बिलोवेड होते हैं या हनीमून है, तो आप उसे ही इज़ इंटरेस्टेड इन विमेन, आप उसे यू कैन रिमेम्बर दैट. और कोम आप समझ सकते हो कि ही हैज़ गुड सेंस ऑफ फैशन. सो ही इज़ अ जेंटलमैन हु अकॉर्डिंग टू हिज ईयर शुड बी इन द डिक्लाइन ऑफ हिज लाइफ. तो वो अपने बहुत लेटर स्टेज में है अपनी लाइफ के, बट ही हैज़ गुड हाइट और वो अपने को इतने अच्छे से कैरी करते हैं. और आप कह सकते हो इजी को लकी नेचर है, जिसकी वजह से आपको उनके फेस पे रिंकल्स नहीं दिखते हैं, और ही लुक्स यंगर देन हिज एक्चुअल एज.
नाउ एक चीज इम्पॉर्टेंट है इनके लिए, एक फ्रेज है, वेयर वुमेन आर नॉट कंसर्न ही इज एन ऑनेस्ट वर्दी मैन. सो ही इज डिफरेंट इन फ्रंट ऑफ वेमेन एंड ही हैज साउंड नॉलेज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ऑल काइंड ऑफ यू नो फैशन. सो दिस इज अबाउट हिम. नाउ द लास्ट मेंबर ऑफ दिस क्लब इज क्लर्जी मैन. सो एज अगेन द नेम सजेस्ट, ही इज अ फिलोसॉफिकल मैन ऑफ general learning. He has sanctity of life and he has most exact good breeding. So he comes with a very noble family. Unko sound knowledge hai, philosophical man hai, sanctity of life hai, pious hai. और जब भी वो बहुत कम बोलते हैं, और जब भी वो बोलते हैं तो वो डिवाइन टॉपिक पे ऑफ कोर्स बात करते हैं, और ऐसा साउंड करता है जैसे ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ही हैज मच अथॉरिटी, और शायद उनसे बेहतर कोई और इस टॉपिक को डिलीवर नहीं कर सकता है, और उनको वर्ल्डली अफेयर्स में बहुत इंटरेस्ट नहीं है. After that, Steele has concluded this essay with this note that these are my ordinary companions. But what we get, so we know that they are not at all ordinary companions. They have good wit, good sense, intellect, good humor. I hope you have enjoyed thoroughly and liked this essay and got to know about 18th century of Steele. Thank you so much. Stay tuned. Thanks.